हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डोंट डॉट कॉम वंस अगेन। तो काफ़ी लोगों का मेरे पास ईमेल भी आया और काफ़ी सवाल आए कि कल जो अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक फ्रॉम पाकिस्तान ऑन इंडिया, ड्रोन के थ्रू अटैक किया गया, उसके बाद क्या स्टेटस है, ड्रोन्स का रेगुलेशंस का स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाएगी तो क्या होगा, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। तो वो सारे इस सिलसिले में जो क्वेश्चंस उठे थे उनका मैं सारा रिप्लाई करूंगा। और अगर आप नए चैनल पे भी सब्सक्राइब करें, चैनल में लेके आते हैं ड्रोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड टेक जो मैं यूज करता हूँ। टेक में सब कुछ आता है, मोबाइल फोन्स, एनी टेक विच आई यूज आई शेयर, ठीक है। तो अगर आपका टेक में इंटरेस्ट है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एज अ डॉक्टर आई ऑल्सो समटाइम्स कभी कभी हेल्थ टिप्स को भी मैं शेयर करता हूँ जो पसंद की जाती है काफी कुछ कुछ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, ड्रोन अटैक हुआ है। अब देखिए, हर एक चीज़ के दो पहलू हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब ये जो एक्सप्लॉयट किया जा रहा है पार्ट, इसी करके इंडिया में ड्रोन्स को हवा बना दिया गया है और इससे और अब नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अभी ड्रोन अटैक्स शुरू हो गए हैं और हर एक टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, बट एज ए जेंटलमैन और एज ए गुड सिटीजन हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। अब इतना ज़्यादा खतरे वाला बात हो गया क्योंकि ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सप्लॉयट इसलिए किया जाता है क्योंकि एज कम्पेयर टू दूसरी जो एयर अटैक्स हैं डिफेंस में, डिफेंस वालों को ज़्यादा पता होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ओवरव्यू जो है, उसमें जो खर्चा होता है एज कम्पेयर टू जो ड्रोन से हम अटैक करते हैं एयर स्ट्राइक थ्रू ड्रोन, दोनों के खर्चे में ड्रोन्स आर वेरी इकोनॉमिकल, नंबर वन, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। नंबर दो, ड्रोन अटैक से जो अटैकर है उसको पकड़ने का चांस बहुत कम रहता है क्योंकि आपको नहीं मालूम रहता कि कहाँ से ड्रोन आया। नंबर थ्री, ड्रोन रडार की रेंज से नीचे उड़ सकते हैं, इससे क्या होता है कि वो रडार से डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये उनको फिर से एडवांटेज। तो ड्रोन्स को इन तरह के नेगेटिव चीज़ों में बहुत एडवांटेज है, इसलिए ड्रोन अटैक्स किए जाते हैं। अब अमेरिका पहले से कर रहा था काफ़ी अपने मिलिट्री में, और उनके पास काफ़ी पावरफुल ड्रोन अटैकिंग ड्रोन्स हैं जिनके साथ वो फायरिंग करते हैं, मिसाइल्स फेंकते हैं, ड्रोन स्ट्राइक करके उन्होंने काफ़ी पीछे तबाही मचाई थी। तो उन्हीं लाइंस के ऊपर पाकिस्तान भी अब ये शुरू हो गया है और आप देख ही सकते हैं, उन्होंने ड्रोन का अटैक किया, कुछ ड्रोन का कुछ भी नहीं उनको मिला, कुछ ड्रोन अटैक करके वापस चले गए। तो ये जो टेक्नोलॉजी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसकी वजह से अब काफ़ी प्रभाव होने वाला है हमारे जैसे यूट्यूबर्स को और जो हॉबीयर्स हैं, जो हॉबी के लिए ड्रोन को मतलब एक या आर्ट के लिए, जैसे एडिट हमारे वीडियोस को एक नया डायमेंशन देने के लिए यूज़ करते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम अब बढ़ जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले प्रॉब्लम है, पहले ही आपको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा इंडिया में ड्रोन्स को लीगलाइज तो किया है पर उसमें इतनी ज़्यादा रेगुलेशन लगा दी है कि ढंग का ड्रोन आप ले नहीं पा रहे हैं, ले पा रहे हैं तो ऐसे ही जुगाड़ से आ रहा है और उसमें भी 100 जुर्माने हैं, क्यों हैं, इसी वजह से, इसी का डर था और वो हो गया। तो कहने का मतलब इस वीडियो में नेगेटिव कुछ नहीं मैं कह रहा, मैं सिर्फ यही मैसेज दे रहा हूँ कि यस, अब थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, ड्रोन को अब थोड़ा और हवा माना जाएगा। अब तक अटैक नहीं हुआ था ड्रोन से, अब हो चुका है, तो डेफिनेटली पब्लिक के माइंड में भी थोड़ा डर बनेगा और गवर्नमेंट तो और स्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो व्हाट टू एक्सपेक्ट, तो एक्सपेक्ट तो ये किया जा सकता है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से, जैसे अखबार में आजकल और न्यूज़ में आ रहा है कि एंटी ड्रोन जो गैजेट्स होते हैं जिनसे वो डिटेक्ट हो जाता है ड्रोन, वो मंगवा रही है, इसराइल से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, इसराइल के पास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स को पकड़ने के लिए। तो वो चीज़ें जब इंस्टॉल हो जाएंगी तो एक तरह से हम क्योंकि ड्रोन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज हैं, हो सकता है उसको भी स्केप कर जाए, बट स्टिल काफ़ी प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद कैजुअल जो है उसके लिए भी डेफिनेटली जो DGI की तरफ से कुछ ऐसा अपडेट अभी की डेट में तो नहीं है, तार निकाला जाए, बट फिलहाल के लिए अभी आप सतर्क रहें और जहाँ भी आप ड्रोन उड़ाएं पब्लिक प्लेस पर मत उड़ाएं, मेरी यही हिदायत है आपसे। और वेडिंग्स के अंदर उड़ रहे हैं कई बार, आप किसी आउटर एरिया में रहते हैं जैसे विलेज एरिया होगा या कोई हिमाचल या छोटा जहाँ पर इतनी रेगुलेशन नहीं है, जिसको इतनी विजिलेंस नहीं है, वहाँ पर उड़ रहे हैं अभी भी वेडिंग्स के अंदर, अभी भी वेडिंग जो हमारे वीडियो क्रिएटर काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो वो उड़ा रहे हैं, उनकी वो रोजी रोटी है, ठीक है, वो
कोई उसमें नेगेटिव एक्सपेक्ट नहीं, वो एक पॉजिटिव चीज़ लाके एक अच्छा डायमेंशन दे रहे हैं उनके वीडियोस को, शादी के वीडियोस को, तो उसी हिसाब से वीडियोस शूट हो रहे हैं। बट एज ए ड्रोन एक्सपर्ट और इस चैनल का जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ हमारे वेडिंग फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स को भी, कि अगर आप किसी शहर में ऐसा शूट कर रहे हैं जैसे दिल्ली में कहीं कर रहे हैं और जहाँ पॉश एरिया है काफ़ी, और वहाँ पर आप ड्रोन का फुटेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पर्सनली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एक रिटर्न परमिशन ले लें कि हम ड्रोन वीडियोग्राफर हैं, हमने इस पर्पज़ के लिए फुटेज लेनी है और इतना हमारा एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें उसमें मेंशन कर दें कि आप हमें ये परमिशन दें, ठीक है, टू बी ऑन द सेफर साइड। पॉश एरियाज की बात कर रहा हूँ, बाकी जो यूट्यूबर्स हैं जो कैंपिंग में जाते हैं वहाँ पर एकांत है, एकांत में तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कोई नहीं आएगा आपके पास, आप जरा देख के उड़ाएं, कोई पब्लिक नहीं है उड़ा लें उसको, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट पब्लिक प्लेसेस में प्रॉब्लम अब थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। तो टू बी ऑन सेफर साइड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ परमिशन लेकर ही जो भी ड्रोन है, अभी ये मैटर नहीं करता कौन सा ड्रोन आपके पास है, परमिशन मैटर करती है कि आपके पास प्रॉपर परमिशन है, अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो पब्लिक प्लेस में आप मत पंगा लें, सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी क्या सीन बनता है परमिशन का ऑफिशियल, वो वेब ऐप जो आनी थी वो कब आती है, NPNT वाला, ये जो इंडियन सिनेरियो है कंज्यूमर ड्रोन्स का, वो कब आता है, तो वो अभी फिलहाल आने वाले 5-6 महीने तो कोई ऐसा ड्रोन नहीं है प्रोजेक्ट में जो कि आपके सामने आएगा, बाकी फ्यूचर में आई विल अपडेट डेफिनेटली कि कोई इंडियन कंज्यूमर ड्रोन आता है तो उसमें सब वो चीज़ें होंगी, NPNT कंपेटेबल होगा, परमिशन मिलेगी तभी टेक ऑफ करेगा, और हो सकता है उस कंपटीशन में DJI भी कोई अपने ऐप में अपडेट कर दे। बहरहाल इस सिलसिले में और भी आपके पास कोई डिस्कशन के लिए या कोई क्वेरी है आपके माइंड में और एनी अदर क्वेरी, Q&A होने वाला है, शॉर्ट वीडियो भी मैंने अनाउंस किया था, अब जो अपकमिंग संडे आ रहा है उसमें मैं शूट करूंगा, तो इस वीडियोस के भी मैं क्वेश्चंस ले लूंगा, ठीक है, तो कोई भी आपका क्वेश्चन है क्वेरी है ड्रोन्स को लेके वो प्लीज आप अभी लिख दें कमेंट्स में, तो जो पिछला शॉर्ट वीडियो आया था Q&A वाला उसमें अनाउंस किया था और इस वीडियो के भी मैं क्वेश्चंस ले लूंगा, थोड़ा बड़ा वीडियो बन जाएगा पर आपके क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और ये यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर भी कर दें, ताकि जितने भी ड्रोन से और टेक से में इंटरेस्टेड लोग हैं और कुछ सीखना चाहते हैं या हमें भी कुछ सिखाना चाहते हैं, क्योंकि शेयरिंग से नॉलेज बढ़ती है, तो दोनों वे नॉलेज का आदान प्रदान होता है, तो प्लीज़ कमेंट करें एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट लाइक, थैंक यू।